अगर इस कानून कहता है श्योरिटी बॉन्ड दे दो तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। श्योरिटी बॉन्ड के मैं पहले ही 18 को अदालत में पेश हो रहा हूं। इन्होंने मेरा श्योरिटी बॉन्ड नहीं लिया, तीन तरफ से जुबान पाक के ऊपर हमला हो गया, रेंजर्स पुलिस तीन तरफ से हमला। जिस पर पता यही इमरान खान को कितना बड़ा दहशतगर्द था, सारा टियर गैस शेलिंग इन्होंने वो चलाई, वो वाटर कैनन जिसके अंदर केमिकल था, फिर इन्होंने बंदूकें चलाई, पैलेट गन चलाई। मैं सिर्फ ये अब आपको दूं, जो उस दिन हमारे साथ हुआ, मुझे पहली दफा पता चला पाकिस्तानियों कि फलस्तीन के लोगों के ऊपर इसराइल क्या करता है, कि कश्मीर के लोगों के ऊपर हिंदुस्तान क्या करता है। मुझे ऐसे एहसास हुआ क्या जुल्म हो सकता है अगर आपकी रियासत आपके ऊपर हमला करते। जरा ये एक फिल्म देखें कि जो हमारे साथ हुआ, जिस तरह इन्होंने अटैक किया और हमारे ऊपर पर्चे काट दिए। ये वो जगह है जहाँ पे पुलिस ने जो बुलेट फायर की है वो लगे सीधे चल पा रहे। आज अगर आप फ्रांस में देखें तो लोग गुजारे कर रहे हैं पेंशन के ऊपर, कभी आपने टीवी के ऊपर देखा है चीजें भी जला रहे हैं, गाड़ियां भी जला रहे हैं, कभी आपने देखा कि पुलिस उनके ऊपर फायरिंग कर रही है या रेंजर्स, कभी आपने देखा कि उनको लोगों को अफवाह कर करके लेके जा रहे हैं घर और फिर तशद्दुद कर रहे हैं उनके ऊपर। कभी फ्रांस के अंदर ये नहीं होगा, क्योंकि वो लोग आजाद हैं, उनके कानून उनकी हिफाजत करता है, उनको इजाजत देता है कि पुरमन एहतजाज करो, और हम तो इंतजाज भी नहीं कर रहे थे। लोग क्यों मेरे घर के बाहर आए, क्योंकि लोगों को पता था कि ये मुझे अरेस्ट जो करने आए हैं वो गैर कानूनी है, और लोगों को ये भी पता था कि ये जेलों में डाल के तशद्दुद करते हैं। सारे लोगों को पता था कि जो आजम स्वाति से क्या किया, जेल में डाल के कपड़ा उतारे, तशद्दुद किया 75 साल के आदमी को, कोई शर्म नहीं इनको आई। क्या पाकिस्तान का आईन राइट टू डिग्निटी देता है, किसी को इजाजत नहीं देता कि किसी को नंगा करके उसको जलील करो, उसकी वीडियो बनाओ। उससे पहले शबाज गिल उसको उठा के ले गए, दो दिन उसको पकड़ के उल्टा लटकाया, उसको नंगा किया, हर किस्म का तशद्दुद किया, फिर सोशल मीडिया के लड़कों को पकड़ के ले गए, कितने लड़कों को लेके गए उनके ऊपर यही उन्होंने किया। पता नहीं इन बेगैरतों को नंगा करने का क्या शौक है। जो ये कर रहे हैं इनको साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाएं, ये नॉर्मल लोग नहीं है, ये ज़हनी मरीज है। उनकी तस्वीरें उनको डरा धमका देते और लोगों को सब जो मेरे घर के बाहर क्यों लोग आए, लोग इसलिए आए कि लोगों को पता ये बदनीयत लोग हैं, ये जो फैसले कर रहे हैं कि उसको पकड़ के लेके जाओ, जब पता था कि मेरी बेल है और गैर कानूनी चीज पे कोई कोई केस मेरे ऊपर नहीं है, हर दूसरे दिन कोई नया केस आ जाता है। क्या कौन 50